ये कोई होटल का कमरा नहीं है, ये एक फ्लोटिंग शिप है, उसके अंदर ये कमरा बना हुआ है। बाज़ औक़ात बहुत ऐसे ख़तरनाक हादसात भी पेश आते हैं कि ऊँट के टक्कर की वजह से पूरी गाड़ी सत्यानाश हो जाती है, तो इसलिए एहतियात करना लाजमी है। तो यहाँ का कानून भी है कि जब आपको कोई जानवर नज़र आ जाए रोड पे, तो आपने गाड़ी को आहिस्ता चलाना है। इस शहर की तारीख के औराक अगर खंगाले जाएं तो पता चलता है कि यहाँ के साहिल 6th सेंचुरी में बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। उस दौर में बरसगीर और यूरोप के बीच में और नॉर्थ अफ्रीका भी इसमें शामिल है, इनके आपस में जो तिजारत होती थी वो इन्हीं बंदरगाहों के थ्रू हुआ करती थी, और ज़्यादातर जहाज़ सुर के साहिलों पर आके रुक जाती थी और यहाँ पर अपना स्टे करती थी। तीन घंटों की मुसलसल ड्राइव के बाद इंसान पर दो चीज़ें हावी हो जाती हैं,
एक थकन और दूसरी भूख। थकन तो नींद के बाद ही उतर जाएगी, लेकिन भूख का इंतज़ाम हमने इस पाकिस्तानी होटल में कर दिया है। चलिए मिलते हैं हम आपसे खाने के बाद। फाइनली शाले पे सवार होने जा रहे हैं हम सब लोग। एक बोट पे बैठ के शाले तक जाएंगे। मैं वहाँ ड्रॉप करके ये बोट वापस आएगा और फिर सुबह ही इनकी वापसी होगी शाले तक, ताकि ये सारी चीज़ें चेक करके वहाँ से हमारा एग्ज़िट करवा सकें। तो चलिए आपको थोड़े ही देर में हम शाले के मनाजिर दिखाएंगे। ये हम आए हुए आज फ्लोटिंग बोट पे, फ्लोटिंग शिप कहते हैं इसको। ये एक नया एक्सपीरियंस है। तो ये इस शिप ने हमें कार्गो किया है बीच से यहाँ तक। इस वक्त बोट से सारा सामान उतार रहे हैं और शेले पे हम सवार करेंगे। उसके बाद जो यहाँ के केयर टेकर्स हैं वो डीजल और पेट्रोल शायद लेके आए, जनरेटर में डालेंगे और शेले को लाइट ऑन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी रात बसर करेंगे। चलिए बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप। ये हमारे मुज्जी साहब हैं। ये एक पूरा घर बना हुआ है अंदर, दो कमरों का और एक हॉल है, छत है, टेरेस है और सारा निज़ाम घर जैसा माहौल है। मैं आपको दिखाता हूँ। भाइयों ये कोई होटल का कमरा नहीं है, ये एक फ्लोटिंग शिप है, उसके अंदर ये कमरा बना हुआ है। ये शिप जो है समंदर के बीच में है और इस वक्त हम रात गुजारने आए हैं और इस वक्त ये समंदर के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो सुबह आपको इंशाल्लाह मंजर दिखा दूँगा। ये दो कमरे हैं, एक हॉल है और ऊपर छत है। तो इसकी ब्रिज इसको कहते हैं शेले और आम जबान में हम इसको फ्लोटिंग शिप कहते हैं या फिर फ्लोटिंग विला। तो इसकी ब्रीफ एक वीडियो में बनाऊंगा सुबह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।